आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऋषि थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही आप डेमो कंटेंट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ये थीम एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम है जो कि बहुत सारे यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे अवर हैप्पी कस्टमर्स देख सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव थीम है, तो इसको आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर, और इसको कैसे आपको इसका डेमो कंटेंट को अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करना है, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे कि आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो। और मैंने बहुत सारा कंटेंट बना रखा है प्रीमियम कंटेंट, जो कि आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर ओनली 1% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और 98% लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मेरी वीडियो को वॉच करते हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे एक वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि हमारा डोमेन है skyyarn.in। और इसके बाद यहाँ पे आप थीम को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको अपीयरेंस के अंदर आना है और थीम वाले सेक्शन में आ जाना है। थीम वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे ऋषि, तो ऋषि यहाँ पे थीम सर्च करेंगे तो यहाँ पे मुझे कोई भी थीम नहीं मिलेगी। ऋषि थीम, तो यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई भी थीम नहीं आया है अभी। बट ये थीम यहाँ पे आपको इसके लिए यहाँ पे जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है ऋषि, ऋषि थीम। जैसे डालेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी आपको, ऋषि थीम.com। तो इस वेबसाइट पे आ जाना है और आप यहाँ पे डाउनलोड ऋषि थीम फॉर फ्री इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल को फिलअप करना है और देन इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे परचेस ऑर्डर सिंपली सक्सेसफुल कंप्लीटेड ऑर्डर देख सकते हैं, 0 प्राइस। और यहाँ पे जो थीम यहाँ पे आपको मिल जाएगी तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये थीम हमारी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ये 2.5 MB की ओनली थीम है और इसके बाद आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे थीम डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे आपको अपलोड थीम पे जाना है। देन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है थीम को जो आपने ऋषि 1.2.1 यहाँ पे थीम है इसको यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुकी है, देन इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये थीम हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है, देन इसके बाद एक्टिवेट कर लेना है। ये थीम बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है तो आप इसका अपनी ब्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थीम हमारी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है और इसका यहाँ पे एक प्लगइन है जो कि इंस्टॉल करना है कैंपेन के लिए, जिससे कि आप डेमो कंटेंट को इंपोर्ट कर पाएंगे अपनी वेबसाइट पे। तो इंस्टॉल ऋषि कैंपेन इस पर सिंपली क्लिक कर देना है, देन इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है हमारी वेबसाइट पे ये थीम। और इसके बाद मैं विजिट करता हूँ एक बार वेबसाइट को, तो वेबसाइट का हमारा लोगो कुछ यहाँ से चेंज हो चुका है, सारी डिटेल यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपीराइट पावर्ड बाई यहाँ पे ऋषि थीम आ रहा है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं कि इसको कैसे रिमूव करते हैं, तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप किसी भी वेबसाइट का कॉपीराइट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको डेमो कंटेंट को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आना है ऋषि थीम के अंदर, और इसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके बाद यहाँ पे आपको आना है स्टार्टर टेम्पलेट्स इन स्टार्टर साइट्स पे, और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल ऋषि स्टार्टर टेम्पलेट्स, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो ये स्टार्टर टेम्पलेट्स इसकी जो भी होगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स हैं ऋषि थीम की वो यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी थीम्स मिल जाती है, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी सारे आपको प्रीमियम भी मिल जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री भी थीम मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्री थीम को इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि
तो यहाँ पे मैं एक एफिलिएट मार्केटिंग की कुछ इस तरह से है थीम, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर सिंपली यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका जो भी कंटेंट होगा वो आपकी वेबसाइट पे डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कंप्लीट साइट्स, तो यहाँ पे आप कोई भी अगर ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो यहाँ से उसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आ रहा है डिलीट प्रीवियस इंपोर्टेड साइट। ये क्या स्टिक पे आपको लगाएंगे तो ये जो भी प्रीवियस आपकी वेबसाइट पे कंटेंट होगा वो सारा रिमूव डिलीट कर देगा, देन न्यू कंटेंट को इंपोर्ट कर देगा। तो मेरी वेबसाइट पे मैंने फ्रेश ही इसको इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस, तो इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और ये वेबसाइट पे आपका इंपोर्ट होना कंटेंट स्टार्ट हो गया है। बस कुछ ही आपको 1 से 2 मिनट का वेट करना है और ये आपका कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है 29। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट हमारा जो भी है सक्सेसफुल हो चुका है, दी वेबसाइट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं सारा डेमो कंटेंट यहाँ पे मुझे दिख जाएगा क्योंकि एक मैंने एफिलिएट का इस पे थीम इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारा सक्सेसफुल यहाँ से पूरा इंपोर्ट हो चुका कंटेंट, क्योंकि इसका लुक बहुत ही ज़्यादा, डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप अपनी वेबसाइट पे ऋषि थीम को यूज़ कर रहे हैं या अदर किसी थीम को, फ्री थीम को यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे इसका कॉपीराइट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या मैं आई बटन पे इसको दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे रिमूव किया है। आप भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं जो भी आपको इम्पोर्ट कंटेंट यहाँ पे मिल गया है। और इसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वो आप इजी से कर पाएंगे। देन इसके लिए आपको जो भी आप पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट के अंदर आएंगे या किसी पोस्ट को आपको एडिट करना है तो सारी चीज़ एडिट भी कर पाएंगे। तो जैसे कि मुझे किसी, मान लीजिए किसी भी पोस्ट को एडिट करना है, दी वेस्ट फ़ोन एक्सेसरीज, तो वेस्ट फ़ोन एक्सेसरीज फर्स्ट, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया है दी वेस्ट फ़ोन एक्सेसरीज। तो इसकी सारी चीज़ों को यहाँ से आप इस एक एक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हैं। और इसके अलावा थीम जो भी आपका, आपकी इमेजेस है, इमेज अगर चेंज करना चाहते हैं जो यहाँ पे आपको दिख रही है इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, आपको बहुत ही सिंपल से इसको कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। और ओनली हमारे चैनल को 1% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है जो हमारी वीडियो को देखते हैं, और 95% लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।